कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है क्यू वन, एक चार्ज है क्यू टू, एक ए पे पड़ा है और एक बी पे पड़ा है क्यू वन क्यू टू, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने वेक्टर किया था, वेक्टर में चार्जेस की पोजीशन को पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस क्यू वन का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वन वेक्टर, क्यू टू का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर टू वेक्टर, तो बन गया आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर बनते कहाँ से, हमेशा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से दो वेक्टर बना दिए। ठीक, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, मान लो ये Q1 इस Q2 को रिपेल करेगा। अब रिपेल कैसे होता है, मैंने इसे रिपेल किया, धक्का मारा, तो ये कहाँ जाएगा, मेरी तरफ आएगा कि दूर जाएगा, दूर जाएगा, अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरी तरफ आएगा, सिंपल। तो इस Q2 ने Q1 को रिपेल किया तो वेक्टर यहाँ बनेगा, इस वेक्टर का नाम है F12 वेक्टर, मतलब वन चार्ज पे फोर्स लगी, किसने लगाई, टू ने लगाई, और ऐसे ही इस Q1 ने Q2 को रिपेल किया, फोर्स क्या लगाई, F21 वेक्टर, 21 वेक्टर का मतलब टू चार्ज पे फोर्स लगी, वन पे लगाई, तो दोनों रिपल्सिव फोर्सेस हैं, क्लियर है यहाँ तक, तो एक इधर एक इधर। अब आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे कि अगर रिपेल कर रहे हैं तो ये दूर भाग जाएंगे, पोजिशन वैक्टर तो चेंज हो जाएगा, और चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रो स्टैटिक, तो ये फिक्स चार्जेस हैं, इनको मूव नहीं करवाना जब तक वो कहेगा नहीं, ठीक, तो ये फिक्स चार्जेस हैं, ये मूव नहीं करेंगे। तो F12 वेक्टर, F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूं, वैल्यू सिर्फ, तो Q1 ने Q2 पे और Q2 ने Q1 पे इक्वल फोर्स लगानी होती है, जैसे ग्रेविटेशन की फोर्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, इनके बीच में डिस्टेंस अगर आर है और मैं मैग्नीट्यूड पूछूं तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, वन मैग्नीट्यूड मॉड वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, डन, क्लियर है। पर मेरा टॉपिक क्या है, मुझे किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, तो मैं कैसे बताऊँ डायरेक्शन, अगर मुझे एफ, ये मैग्नीट्यूड ओनली है, अगर मुझे एफ वन टू वैक्टर लगाना है तो वैल्यू के साथ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन में या तो मैं अपने तरीके से बता दूं कि इधर डायरेक्शन है इधर, पर ये इधर उधर फिजिक्स में चलता नहीं ना, कि इधर इस तरफ गया उस तरफ गया, तो क्या चलता है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर या तो आई जे के के होता है, अगर ये आई जे के नहीं होता तो बनाना पड़ता है, कुछ भी एज्यूम कर लो, तो एज्यूम कर लिया आर वन टू कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका वन है, आर वन टू कैप एक यूनिट वेक्टर है जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, जहां F12 वेक्टर जा रहा है, तो इसीलिए इसके पीछे क्या लगा दिया, R12 कैप, तो यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, इसके ऊपर जाने की डायरेक्शन, तो वैल्यू डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर F21 वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो वही लिख देना है, पर F21 लिखना कहां पर है, R21 से डिनोट किया डायरेक्शन R21, तो इसके पीछे क्या लिख दिया, R21, वैल्यू यूनिट वेक्टर की 1 होती है, वैल्यू में फर्क पड़ता कोई नहीं, क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब आप एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड कट गया, ये बच गया, आर वन टू आर टू वन में किसका फर्क है सिर्फ डायरेक्शन का, माइनस का, तो ये कट गया, तो आपके पास क्या आया, एफ वन टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन वैक्टर, जो ये शो करता है कूलम फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है यहाँ तक। अब और डिटेल में चलते हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको तरीका एक शॉर्टकट बताऊंगा इसका करने का, क्या करना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको ये करना नहीं है, आपको एंड में एक फॉर्मूला करना है। मैंने वेक्टर फॉर्म में F12 वेक्टर को क्या लिखा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप। कई लोगों को R12 कैप R21 कैप भूल जाता है, क्या लिखूं, पहला रूल जो मर्जी लिख दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आप ही ने बनाया। दूसरा रूल शॉर्टकट कर लो, अगर ये 1 2 है तो ये भी 1 2 है, और अगर ये 2 1 है तो ये 2 1 हो जाएगा, सिंपल है, भूलेगा ही नहीं यूनिट वेक्टर। F12 वेक्टर के पीछे यहां पर क्या लगेगा, R12 कैप, शॉर्टकट बता रहा हूं कि यार डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 2 है तो 1 2, 2 1 है तो 2 1, खत्म। अब यूनिट वेक्टर क्या होता था, यूनिट वेक्टर होता था अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, याद करो प्लस वन में किया था, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आता है, तो ये R12 वेक्टर है।
अब जो मैग्नीट्यूड है आर वन टू वेक्टर का, आर वन टू वेक्टर का, वो बेसिकली क्या है, दो चार्जेस यहां रखे थे क्यू वन क्यू टू, ये इसका और ये इसका पोजिशन वैक्टर था आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर। तो अगर मैं एक लाइन यहां ड्रॉ करूं तो इस ट्राइंगल में ये आर टू वैक्टर है, ये आर वन टू वैक्टर है और ये आर वन वैक्टर है, तो ये क्लोजिंग साइड है और क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट होता है। तो आर वन वैक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ आर टू वैक्टर एंड आर वन टू वैक्टर, तो आर वन वैक्टर इक्वल टू आर टू वैक्टर प्लस आर वन टू वैक्टर, तो आर वन टू वैक्टर क्या आ गया, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। अगर कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, मत करो, याद कर लो आर वन टू वैक्टर क्या होता है, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। तो किसने पूछा कि आपने डायग्राम से प्रूफ किया कि नहीं कि आप सीधा लिख दो, तो मैंने क्या किया, इस पूरे की जगह ये लिखा आर वन टू का मैग्नीट्यूड तो आर था क्योंकि दो चार्जेस में डिस्टेंस तो आर था, तो इसको आर मानते हुए आर इन टू आर क्या लिख दिया, आर का क्यू, और ये वैक्टर पूरे का पूरा आर वन टू वैक्टर, जिसकी जगह क्या लिखा आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। ठीक है, यहां तक तो कुछ नहीं किया, पहले वेक्टर फॉर्म में लिखा, यूनिट वेक्टर को लिखा अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आर है तो आर और आर स्क्वायर आर क्यूब कर दिया, आर वन टू वेक्टर को लिखा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, तो ये टर्म आ गई। अब एक और काम कर सकते हैं, इसमें मैं आर वन टू वेक्टर लिखूं इसका मॉड, मॉड का मतलब ये वैल्यू इनके बीच में डिस्टेंस, या मैं आर लिखूं, एक ही बात है, या फिर मैं आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर का मॉड लिखूं, मतलब इसको ये लिख के मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, एक ही बात है। यही किया मैंने इसमें, ये आर देख रहे हो, इस आर की जगह रिप्लेस कर दिया आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर का मॉड का क्यूब, तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, आपसे नहीं कोई पूछेगा ये वैक्टर फॉर्म प्रूव करो, ये नहीं आएगा आपसे, सीधा न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल में क्या, ये फॉर्मूला आपने याद करने हैं दो, पहला वो तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि कैसे ये प्रूफ हुआ, क्या फॉर्मूला, ये वन टू है तो यहां आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मॉड का क्यूब और यहां पर आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, मतलब अगर ये वन टू है तो ये भी वन टू है, ये भी वन टू है, अगर ये टू वन है तो ये टू वन है, तो ये टू वन है, सिंपल दो फॉर्मूला। अब न्यूमेरिकल सीधा एप्लीकेशन बेस्ड आता है इस पे, ये थ्योरीज नहीं आती। जैसे दो चार्जेस वो आपको देगा क्यू वन क्यू टू, दो कोऑर्डिनेट्स देगा क्यू वन और क्यू टू के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, जब कोऑर्डिनेट पहले का कितना है टू थ्री फोर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा टू आई कैप थ्री जे कैप फोर के कैप, और ऐसे ही इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा वन आई कैप टू जे कैप थ्री के कैप, आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर निकाल लिया, क्यू वन क्यू टू पता है, पुट करो इसकी जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 पता है, R1 वेक्टर की जगह R1 वेक्टर, R2 वेक्टर की जगह R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब, क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है मॉड का क्यूब, और ऊपर मॉड नहीं चल रहा तो R1 की जगह R1 वेक्टर, R2 की जगह R2 वेक्टर, तो I में से I, J में से J, K में से K माइनस, तो ये टर्म आएगी ऊपर, यही टर्म आएगी नीचे। मॉड कैसे निकलता है वेक्टर में, अंडर रूट ऑफ I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो कैसे लिखना है समझ में आ रहा है, अभी काम करो फिर से करते हैं, इस क्वेश्चन को निकालना F21 वेक्टर,
सबने ऐसे किया, ठीक है, तो आपने एफ टू वन निकालना है, टू वन टू वन टू वन, तो ये तो एज इट इज पुट कर देना है, आई में से आई, जे में से जे, के में से के माइनस, नीचे भी सेम टर्म आएगी बट नीचे मैग्नीट्यूड है फोर, अच्छा क्या आएगा यहाँ पे, के कैप आएगा, ओके ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, माइनस करना है, आई जे के में आंसर आएगा, मॉड निकालने के लिए आई का कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट का क्यूब। तो वेक्टर फॉर्म में अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा, समझ में आ रहा है कैसे करना है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ तक आने के लिए थ्योरी समझनी पड़ती है कि ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज तो ये सीधा फॉर्मूलाज ही है, एप्लीकेशन में फॉर्मूलाज ही आएगा सीधा जो आएगा।